सबको अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। तो भाई सब ये आई एम अमरू पीर दादा कलंदर शाह की दरबार पर जहाँ पर ऊँट स्टार्ट है और आप लोग देख सकते हैं भाई भीड़ कितनी है। तो अभी हम आपको हमारे ब्लॉक में जो है कि पूरी जियारत कराने वाले हैं। यहाँ हर साल उर्स मनाया जाता है, उर्स में हजारों लोग शिरकत करते हैं। यहाँ तरह तरह की दुकानें होती हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत इंतजाम होते हैं, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए बहुत दुकानें होते हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए खाने के इंतजाम भी होते हैं। ये शहर लज्जतदार खानों के लिए बहुत मशहूर है। निज़्ज़त का फूल इश्क का पैकर बना दिया, निज़्ज़त का फूल इश्क का पैकर बना दिया, हुस्न को राहतों का समंदर बना दिया, हुस्न को राहतों का समंदर बना दिया, निज़्ज़त का फूल इश्क का पैकर बना दिया, हुस्न को राहतों का समंदर बना दिया। मैंने पुकारा बांस को निज़्ज़त में डूब कर, किस्मत का सिकंदर हूँ, आलाव का बंगर हूँ, रहते हैं मेरे दिल में वफा का समंदर हूँ। छेड़ो ना मुझे लोगो, मैं कौस का कलंदर हूँ, छेड़ो ना मुझे लोगो, मैं कौस का कलंदर हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो लोग मेरी रजा पर राजी हो वो मेरे दोस्त हैं। यानी हयात कलंदर की विलादत मुल्के शाम में हुई। मुल्के शाम से आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख फरमाया। मुनव्वरा शरीफ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत से दीन के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लंगर का इंतजाम है। अभी लंगर जो है बन रहा है,
रहा है, स्टार्ट है तैयारी। और गाइस यहाँ पर कवाली भी रखी गई है, जहाँ पर छोटे मजीद शोला जो है वो उनकी कवाली है यहाँ पे, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे कवाली का प्रोग्राम बहुत ही है ना, बहुत ही खास है। छोटे मजीद शोला जी है वो वही कवाली पढ़ रहे हैं, उधर आप लोग देख सकते हैं, मतलब काफ़ी दूर है स्टेज से, थोड़ा हम पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे।